एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी शिया। माय नेम इज़ ओम और आज हम डिस्कस करेंगे आईएसबाबा की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन में जो हमने अक्टूबर में गवर्नमेंट सेक्शन को डील किया था उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, और उसके साथ साथ हम इस वीडियो के एंड में एक ओवरव्यू रिविजन भी करेंगे पूरे गवर्नमेंट स्कीम्स को जो हमने डिस्कस किया था वीडियो। ओके, बट बिफोर वी बिगिन लेट मी टेल यू कि आप इस वीडियो को जो गवर्नमेंट स्कीम स्पेसिफिक जो मैंने वीडियो बनाई थी वो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और उसके साथ साथ जो पूरी अक्टूबर मंथ में मैंने जो भी एनालिसिस बनाए हैं करंट अफेयर्स के आईएसबाबा के उसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और नवंबर मंथ की भी जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई। ओके, बट बिफोर वी बिगिन लेट मी टेल यू आप इस वीडियो की पीडीएफ नीचे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सतत इनिशिएटिव के बारे में। देखो, सतत इनिशिएटिव डील करते वक्त मैंने आपको बताया था सतत की फुल फॉर्म क्या थी। इसका फुल फॉर्म था सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ओके, और ये एक डेवलपमेंटल एफर्ट था जिसके थ्रू जो फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं दोनों को बेसिकली हेल्प करने के लिए था, और ये जो पीएसयू ऑयल कंपनीज हैं इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनका जॉइंट इनिशिएटिव था ताकि इससे वेस्ट को ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट सही है। ओके, ये कॉम्प्रेस्ड बायोगैस से रिलेटेड इनिशिएटिव है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कौन सी कंट्री ने रिसेंटली महात्मा गांधी जयंती के दिन फूड सिक्योरिटी एक्ट अपने फूड सिक्योरिटी स्कीम अपने स्टेट के लिए लॉन्च किया था। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है इन्होंने रिसेंटली बहुत ज़्यादा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो 25 लाख पीपल इनके स्टेट के उस जो सेंटर के स्कीम है NFSA उससे बाहर थे। ठीक है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी रिक्वेस्ट नहीं सुनी तो इन्होंने खुद की फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की थी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ फॉर सोसाइटी ये रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड विद। देखो, मैंने आपको बताया था सेल्फ फॉर सोसाइटी ये माई गवर्नमेंट के थ्रू डेवलप की गई थी, और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था अक्टूबर 24 को, और इसके थ्रू फर्स्ट टाइम IT कंपनीज़ को टारगेट किया जा रहा था, और ये एक फ्री टाइम प्रोफेशनल्स के लिए फ्री टाइम में अपनी वॉलेंटियरिंग करने के लिए जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम है जैसे स्वच्छ भारत मिशन इन सबको ये फ्लैगशिप प्रोग्राम वॉलेंटियर वर्क के लिए था। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फॉर्मली अडॉप्ट जो मतलब यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो यूनिवर्सली इसको कब अडॉप्ट किया गया था जो कि 17 SDG के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसमें ये जो कुछ गोल्स दिए हुए हैं इन गोल्स को आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से गोल उस SDG में हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर आप क्लियरली अगर क्लोजली देखो तो यहाँ पे 2, 3, 5 and 6 ये आपको देखने को मिलेंगे जो SDG में। ओके, 2, 3, 5 and 6 यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड फूड सिक्योरिटी। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड इसमें ऐसी कुछ डीलिंग नहीं दी हुई है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। देखो, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस नाम से भी जाना जाता है, और SDG जो है ये इस प्रिंसिपल पे बना है कि मतलब इसका जैसे प्रिंसिपल अग्रीड अपॉन इज इंटाइटल्ड एज द फ्यूचर वी वांट। तो यहाँ पे देखो दोनों स्टेटमेंट बेसिकली सही हैं। मैंने आपको पूरे डिस्कशन में भी अच्छे से डील किया था, और मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो भी मैंने आपको बताया था, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को बेटर होगा देख लो एक बार। देखो, कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इसके बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। ये ओपन की जा रही है यूनियन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू, और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन सिंगापुर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, मतलब दोनों की जॉइंट वेंचर होगी। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कंट्री की फर्स्ट जो IIS होगी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स ये उत्तर प्रदेश कानपुर में सेटअप की जाएगी, जिसके थ्रू इसको स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाया जाएगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जो है इसमें जो PM मोदी जो हमारे सिंगापुर के विजिट पे गए थे तब उन्होंने ये अपना आइडिया कॉन्सेप्चुलाइज किया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के साथ हम लोग कैसे कोलैबोरेट करके इंडियन वर्जन उसका बना सकते हैं। ठीक है, ताकि इंडिया में जो हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है, स्किल इंडिया, उसको हम लोग कैसे बूस्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बेसिकली सही होंगे। अब देखो, हमने क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम में डिस्कस किया था वो मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सतत मैंने बता दिया, जिसमें जो ऑयल PSU कंपनीज की एक थी जिसमें फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स दोनों को हेल्प करना था। उड़ीसा ने खुद की फूड सिक्योरिटी लॉन्च की थी। सेल्फ फॉर सोसाइटी में गवर्नमेंट वॉलेंट्री
पार्टिसिपेशन जो प्रोफेशनल्स हैं उनके जो अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इन्वाइट किया था। फिर उसके बाद देखो मिशन अंत्योदय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंस मिशन अंत्योदय से रिलेटेड न्यूज़ है तो ये आपके MCQs में भी आ सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पे मिशन अंत्योदय के अंदर बेसिकली बताया गया था कि एक मेजरेबल इफेक्टिव आउटकम है ऑन पैरामीटर दैट ट्रांसफॉर्म्स लाइव्स एंड लिवलीहुड्स और पैनल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसा मैंने आपको सारे MCQs में बताया। फिर उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, फिर उसके बाद सेंटर ने फिशरीज़ फंड के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक बॉडी भी मैंने डील की थी, ठीक है, वो बॉडी आपको जाके पढ़ना है, ठीक है, आपको उस वीडियो में, और बताना है कि उस कौन से फंड बनाया गया था, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू। चलो मैं बता देता हूँ, फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये अप्रूव किया गया था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू, और इसमें नाबार्ड, NCDC यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स, ये यहाँ पे लोन देने के लिए एंटिटीज़ होंगी। ओके, और यहाँ पे थिंग स्मॉल से रिलेटेड हमने आर्टिकल डील किया था, जो यहाँ पे स्लजेस हैं, मतलब कि जो गंदगी, जो वेस्टेज जो होती हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट शोज, उनके रिपोर्ट्स हमने कुछ देखे थे, ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ओके, उनके कुछ रिपोर्ट्स हमने डील किए थे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आर वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दिया कीजिए, और आपके कोई भी अगर सजेशंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने कमेंट्स लिखिए, और मैं ताकि कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो से उनको इनकलकेट कर सकूँ। ओके, और आप इस वीडियो की PDF यहाँ टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, गॉड ब्लेस यू ऑल।